सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल क्विट नोट। माइसेल्फ परमेश्वर सर। पे मैंने आज तुमको गोटे बहुत बढ़िया विषय पढ़ेबी, उद्भिदर वंश विस्तार। यहाँ हूँ दशम अध्याय। तो पे उद्भिद मैंने केमी निजर वंश विस्तार करती, केमी मानने छोट छुआ मान जन्म दिंती, तो सहीटा मनुष्य जमी जन्म दिंती, अन्य जीवजंतु मैंने जमी सब जन्म देकर निजर वंश विस्तार करमती किसी उद्भिद वंश विस्तार कै कि तार अलग किसी मध्यम अच्छी, तो सहीटा को आम आज पुंगानुपुख भाव में पूरा बिट बाय बिट संपूर्ण डिटेल्स बुझा। निश्चित भाव में तुम्हें 100% मार्क्स सिक्योर कर तुम परीक्षा। तो भिडियोटी को आरंभ करने पूर्व रिक्वेस्ट करी, तो पे जो मैंने भी चैनल को नुआ आस काइंडली रिक्वेस्ट करी कि चैनल को सब्सक्राइब कर, आम भाई सांग सहित भिडियो सेयार कर। तो चलो एवं विषय टी आरंभ करवा। तो पे देख कौन लिखाई, तुम्हें देखी थो धान मंजी मुणिले धान गच होला कि आउ गोटे आंब गचर आउ गोटे आंब गच सृष्टि हो पारे। से हीपरी आमर चतुर्पाशे जिते सब पशुपक्षी उद्भिद अच्छा से मैंने जीवटे सृष्टि करना कि प्रजनन कहा जाए। तो ये प्रक्रियाटा को प्रजनन कहती, इंग्लीश रे रिप्रोडक्शन कहती, बुझेगा कि। तो निज परीक्षा अन्य जो छुआ को सब जन्म दिंती एमकर वंश वृद्धि करने। तो पे तुम्हें लक्ष्य कर तुम वंश मान बहुत पूर्वपुरुष मैंने भी दिने मैंने यही पृथ्वी से बसवास करुते कि आज नहांती, तार कारण हूँ से मानकर डेथ हो सारा किंतु से मूँ जो प्रजनन प्रक्रिया द्वारा जो प्रकार तुम जेजे 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 ये सब जो या धीरे धीरे आसिले आसी तुम जेजे तुम बापा जन्म हेले, तुम बापा माँ का तुम्हें जन्म हेल, सेमती कौन हो गोटे मानने पीढ़ी पलिजी तुम बापा माँ तुम जेजे ये समस्ते चलीजे पुणी थे तुमको नुआ जेनेसन या पड़ो। तो से जो प्रक्रिया अच्छी आम प्रजनन कही था, बुझीपाल यहाँद्वारा से जातिर उद्भिद प्राणीर वंश विस्तार होता है। तो नेचर एमती किसी व्यवस्था रखी जहाद्वारा कौन हुए ना उद्भिद आउ प्राणी मानक वंशटा वृद्धि होता है, ना वृद्धि ना कौन हम ना जेहेतु आम गोटे लॉजिक अच्छी मानने नेचर में जी भी जन्म होश्चित भाव में दिने ना दिने मरवाक पड़ो, बुझेगा कि। तो से जदि किसी जीव जन्म हेले आ मरीगले तेनालीर वंश लोप हो आउ नूतन वंश या से व्यवस्था रखा जाए जोटा को आम प्रजनन व्यवस्था कौचु प्रक्रिया, बुझेगा कि। तो ताद्वारा कौन हुए ना से मरिया पूर्व से मरिका आउ किसी नुआ प्राणी मानक छाड़ी था पृथ्वी में, बुझेगा कि। तो उद्भिद मैंने सेमती करती, देख केमी उद्भिद मैंने साधारण तीनो उपाय उपाय जथा गोटे हूँ अंगीय जनन है, आउ गोटे हूँ अलिंगी जनन, आउ गोटे हूँ लिंगी जनन द्वारा वंश विस्तार करती, बुझेगा कि। पे पूरा तुमको आनिमेसन देखेबी पिक्चर देखेबी आउ से इमेज मध्यम बुझेदेवी आनिमेसन मध्यम बुझेदेवी भिडियो शेष पर्यंत स्किप नक देख। तो ये कौन हो गोटे हूँ अंगीय जनन, बुझेगा अंगीय जनन मान तार शरीर अंगर ताले मानने जदि आम अंगीय जनन कहवा सेमती अलिंगी जनन जो थे मैंने पुलिंग किंवा स्त्रीलिंगर किसी आवश्यकता न थाए से मैंने अलिंगी जनन कहा जाए, बुझेगा कि। आउ गोटे हूँ लिंगीय जनन कौन ना जो थे गोटे पुलिंग आउ गोटे स्त्रीलिंगर मिलन में जो जनन होता है वंशवृद्धि होता है सहीटा को आम कौन कौ लिंगीय जनन। तो यहाँ तो मुझे संक्षेप तुमको कहली आम डिटेल्स विषय पढ़ला जापर। देख वंश विस्तार प्रक्रियाटा को देख टे तुम्हें तुम बाड़ी बगिचार विभिन्न धरण वृक्षलता सब देखु से गुड़िकर नाम सब लिख एटा तुम्हें गोटे काम दिखाई 10.1 है कि। तो से विभिन्न अंशर तालिका कर से गुड़िकर वंश विस्तार में साय करती कि, बुझेगा कि। तो जो अंश गुड़ाक तुम्हें लिख जमी फूल फल आउ कांड पत्र तो चेर एगुड़ा सब कौन से गोटे गोटे अंश ना ना। तो से कथा सी कौच से गुड़िकर वंश विस्तार में साय करती कि, बुझिपाल। तो ये किसी तुम्हें दे उद्भिद से विभिन्न अंश और कार्य देख जमी गोटे उदाहरण देखिए उद्भिदर नाम हूँ मनकर उदाहरण हूँ अदा है कि तार कांड और कार्यर तार कार्य कौन देख मटी तले थाए, बुझेगा कि। तार कांडटा मटी तले थाए ऊपर को बढ़ी पत्र बाहर खाद्य संरक्षण और वंश विस्तार कै, बुझेगा कि। खाद्य को प्रिपेयर कर वंश बुद्धि से साय कै कौटा तार कांड, बुझेगा कि। सेमती आउ गोटे कथा कौन देख पत्र पत्र कार्य कौन पत्रटा कांडर बाहर थाए तुम्हें देख लक्ष्य कर अदार कांडर पत्रटा बाहर थाए ओ सेटा आलोक शेषण करे। तो जानी थी गोटे गच्छर जीवन हूँ पत्र क्या पत्र नथले से निजपाई खाद्य प्रस्तुत करें, बुझिपार कि। तो से आलोक शेषण प्रक्रिया करने कांडर बाहर पत्र ही साय कै, बुझिपाल।
ତାହେଲେ ଫୁଲ କ'ଣ ନା ଫୁଲ ଏଠି ହେଉଛି ତା ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଧଳା କିନ୍ତୁ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ସେମିତି କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଫୁଲର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଧରିବା ନାହିଁ କେବଳ ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ଅଦା ବୁଝିଲେ କି ଅଦା ବିଷୟରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ୁଛେ ତ ମୂଳ ଆଉ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ମୂଳ ହେଉଛି ମାଟି ତଳେ ଥାଏ ଜଳ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥକୁ ଶୋଷଣ କରେ ବୁଝିପାରିଲ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ ମାଟି ତଳେ ସାଧାରଣତଃ ମୂଳ ହିଁ ତ ଜଳ ଆଉ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥଟା ଗଛକୁ ଯୋଗାଇଥାଏ ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରି ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ସାଇତି ରଖନ୍ତି ବୁଝିଲେ କି ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବଂଶ ବିସ୍ତାରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଙ୍ଗ କିଏ ରହିଲା କାଣ୍ଡ ତ ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ କାଣ୍ଡ ହେଉଛି ତା'ର ବଂଶ ବିସ୍ତାରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଙ୍ଗ ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅଧିକାଂଶ ଉଦ୍ଭିଦର ମୂଳ କାଣ୍ଡ ଓ ପତ୍ର ଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଅଧିକାଂଶ ଗଛ ଯେକୌଣସି ଗଛ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ଦେଖିବ ତା'ର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ମୂଳ ଥିବ ଆଉ କାଣ୍ଡ ଥିବ ଆଉ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଥିବ ଏଇଟା ତ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଭିଦର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ନା ନାହିଁ ଏହି ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଭିଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ତାକୁ ଅଙ୍ଗୀୟ ଜନନ କହିବା ତ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ମନେକର ଗୋଟିଏ ପତ୍ରରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗଛ ହୋଇଗଲା ବୁଝିଲା କି ତାହେଲେ ପତ୍ର ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ତେଣୁ ତା ସେଥିରୁ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗଛ ତିଆରି ହୋଇପାରିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କହିବା ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଅଙ୍ଗୀୟ ଜନନ ସେମିତି କିଛି ଗଛ ଅଛି ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ ସେମାନଙ୍କ ଡାଳକୁ ଯଦି ପୋତିଦେବ ସେ ଡାଳରୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗଛ ହୋଇଯାଏ ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଅଙ୍ଗୀୟ ଜନନ ବୁଝିପାରିଲ ଆଉ ସେମିତି କିଛି ଅଛି ଚେରକୁ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଦେଲେ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂତନ ଗଛ ହୋଇଯାଏ ତ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ପଢ଼ିବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବା ଦେଖ ଅନେକ ଉଦ୍ଭିଦ କିଛି ଦିନ ବଢ଼ିବା ପରେ ଫୁଲ ଧରନ୍ତି ନା କି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଉଦ୍ଭିଦ ଦେଖିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଫୁଲ ହେଉଥିବ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ସବୁ ଗଛରେ ମଧ୍ୟ ଫୁଲ ହୁଏ ତ ଯେଉଁ ଗଛରେ ଫୁଲ ହୁଏ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ସ୍ପେଶିଆଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ରହିଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିବା ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏଠି ଧାନ ଗଛକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଧାନ ଗଛରେ ଫୁଲ ସବୁ ହୋଇଥିବ ଦେଖିଥିବ ବର୍ଷା ମାସରେ ଧାନ ରୁଆ ହୁଏ କିଛି ଦିନ ବଢ଼ିବା ପରେ ଆଶ୍ୱିନ ମାସକୁ ଧାନ ସବୁ ଫୁଲ ଧରେ ବୁଝିଲା କି ତାପରେ ଧାନ ଗଛରୁ ମଞ୍ଜି ବାହାରେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ ତ ଦେଖିବ ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ ଗୋଟେ ଗଛରେ ହୋଇଥିବ ତାପରେ ଯେଉଁ ଫଳ ହୋଇଥିବ ତା'ମାନେ ତୁମେ ଜାଣିବ ଯେ ସେଇ ଫୁଲଟା ହିଁ ଫଳରେ କନ୍ଭର୍ଟ ହୋଇଗଲା ତ କେମିତି ହେଲା ଗୋଟେ ଆନିମେସନ୍ ଆଗକୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ସେଥିରେ ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ ତାପରେ ଦେଇଛି ପୌଷ ମାସ ବେଳକୁ ଧାନ ପାଚିଲେ ଆମେ ଧାନ ଗଛକୁ କାଟି ନେଇ ଧାନ ଅମଳ କରୁ ନା କି ସେଇ ଧାନ ହେଲା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲ ତ ଯେଉଁଟା ତୁମେ ଧାନ ଖାଉଛ ସେଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଗଛର ଗୋଟିଏ ଫଳ ଥିଲା ବୁଝିପାରିଲ ତୁମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହ ଫୁଲର ପ୍ରଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ତ ଏବେ ତୁମକୁ କହିଲି ଫୁଲର ପ୍ରଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଫୁଲରୁ ଫଳ ହୁଏ ଅର୍ଥାତ୍ ତା'ର ବଂଶବୃଦ୍ଧି ହେବାରେ ଫୁଲ ହିଁ ମାନେ ସହଯୋଗ କରେ ବୁଝିଲା କି ତ ସପୁଷ୍ପକ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଫୁଲ ହେଉଛି କ'ଣ ପ୍ରଜନନ ଅଙ୍ଗ ତ ପ୍ରଜନନ ଅଙ୍ଗ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗରୁ କ'ଣ ହୋଇପାରିବ ଗୋଟେ ବଂଶବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରିବ ତା'ର ଫ୍ୟୁଚର୍ ଜେନେରେସନ୍ ଆସିପାରିବ ନୂଆ ଗୋଟେ ଆପତ୍ତି ଆସିପାରିବ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ମାନେ ତା'ର ହେଉଛି ଜନନ ପ୍ରଜନନ ଅଙ୍ଗ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ ଏହି ଫୁଲ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଭିଦର ଲିଙ୍ଗୀୟ ଜନନ ହୁଏ ତ ଏହି ଫୁଲ ଦ୍ୱାରା ବୁଝିପାରିଲ ଯେଉଁ ଫୁଲରୁ ଫଳ ହୁଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମେ ବୁଝିବ ସେ ଫଳଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ସେ ଗଛର ମଞ୍ଜି ହେଲା କି ତ ସେଥିରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗଛ ହେବ ତ ସେ ଯେଉଁ ଫୁଲ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଦେଖିବ ସପୁଷ୍ପକ ଉଦ୍ଭିଦ ବା ସେଥିରେ ଫୁଲ ହୁଏ ଫଳ ହୁଏ ତାହେଲେ ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ ତାଙ୍କର ଲିଙ୍ଗୀୟ ଜନନ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଫୁଲ ଲିଙ୍ଗୀୟ ଜନନ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛ ତ ଯେଉଁଥିରେ ମାନେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷର ଭୂମିକା ଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ନାରୀର ଭୂମିକା ଥିବ ହେଲା କି ଯେମିତି ଆମେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ଅଙ୍ଗୀୟ ଜନନ ଅଙ୍ଗୀୟ ଜନନ ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି ଅଙ୍ଗରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେଥିରେ ପୁରୁଷ କିମ୍ବା ନାରୀର କିଛି ଭୂମିକା ନଥାଏ ବୁଝିପାରୁଛ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇଯାଉ ଗୋଟେ ଗୋଲାପ ଗଛକୁ ତୁମେ ଯଦି ତା'ର ଛୋଟିଆ ଡାଳଟିଏ ନେଇକରି ପୋତିଦେବ ହେଲା କି ଟିକିଏ ତାକୁ ନରିସମେଣ୍ଟ କଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ କ'ଣ ହୋଇପାରିବ ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ଗଛଟିଏ ତିଆରି ହୋଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଦେଖିଛ ଯେଉଁଟା ଆମର ଧାନ ଗଛ ଧାନ ଗଛକୁ ଯଦି ଆମେ ଅଧାରୁ କାଟି ନେଇକି ଗଛଟାକୁ ପୋତିବା ତାହେଲେ ସେଥିରୁ କ'ଣ ଆଉ ଥରେ ଧାନ ଗଛ ହୋଇପାରିବ ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗଛ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ତାଙ୍କ ଡାଳ ନେଇ ପୋତିଲେ ସେଥିରୁ ଗଛ ହୁଏ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଅଙ୍ଗୀୟ ଜନନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଲିଙ୍ଗୀୟ ଜନନ ଏଥିରେ ବୁଝିପାରିଲ ଲିଙ୍ଗୀୟ ଜନନ ମାନେ ଯେଉଁଥିରୁ ଫଳ ହୁଏ ଆଉ ଫଳରୁ ମଞ୍ଜି ହୁଏ ସେ ମଞ୍ଜିରୁ ଆଉ ଥରେ ନୂଆ ଗଛ ହୁଏ ତ ଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଫୁଲର ଭୂମିକା ରହିଛି ସେ କଥା ଏଠି କୁହାହେଉଛି ଏହି ଫୁଲ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଭିଦର ଲିଙ୍ଗୀୟ ଜନନ ହୁଏ ବୁଝିପାରିଲ ଫୁଲରେ ପୁଂକେଶର ଓ ଗର୍ଭକେଶର ଉଭୟ ଥାଇପାରେ କିମ୍ବା କେବଳ ପୁଂକେଶର ବା ଗର୍ଭକେଶର ଥାଇପାରେ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ଏମିତି ଯଦି ପଢ଼େଇବି ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଇମେଜ୍ ଦେଖାଉଛି ସେ ଇମେଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝାଇଦେବି କେଉଁଟା ପୁଂକେଶର ଆଉ କେଉଁଟା ଗର୍ଭକେଶର ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଟି ତୁମର ବହିରେ ଦିଆହେଇଛି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ବହି ଚେକ୍ କରି ଦେଖିପାର ଏଇଠି ଦିଆହେଇଛି ଏଇ ଯେଉଁଟା ଦେଖୁଛ ଏଇଟାକୁ ପୁଂକେଶର କହନ୍ତି ଦେଖ ତା ତଳେ ପୁଂକେଶର ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଗର୍ଭକେଶର କହନ୍ତି ବୁଝିଲେ କି ତ ପୁଂକେଶର ପିଲାମାନେ ହେଉଛି ମାନେ ପୁରୁଷର ଗୋଟେ ଅଂଶ ସେଇ ଫୁଲରେ ଅଛି ହେଲା କି ମାନେ ପୁରୁଷ ବୋଲି ବୁଝିବ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଗର୍ଭକେଶର ଅଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ବା ଅର୍ଥ ନାରୀ ବୋଲି ବୁଝିବ ବୁଝିଲେ କି
तो यहाँ हूँ तुम मेल आए हूँ फिमेल बुझेला तो ये कहे ना गोटे गोटे फुलर उभय था बुझिपार्चना ना देख ये भलसे तो ये जो गोटे फुल होती कौन अच्छी ये गर्भकेशर गोटे अच्छी आऊ केशर अच्छी देखिपार चित्र बुझेला कि आउ गोटे गोटे गच अच्छी से मानने फुलर केवल पु केशर थी आउ सेमी आउ कि गचर सेमती गर्भकेशर थी अलग अलग थपे गोटे फुलर थपे बुझिपाल तो आगे आम आगे पढ़ने जापर तो ये जो पे तुम्हें कम 10.2 दिखाई तेल कौन लिखाई देख निम्नलिखित फुलगुड़ी संग्रह कर और तार पु केशर आ गर्भकेशर बाहर कर देख यहाँ तुम्हें देखी थो जोटा सरुआ सरुआ सब थाए सीटा को पु केशर कह जाए आउटा टे मोटाड़िया थाए सीटा गर्भकेशर मैंने कह जाए तो से तुमको आउ के इमेज देखा देख तो पे बर्तमान ये चित्रटी को देख योटा देखा जा मोटाड़िया अंश जोटा है तुम गर्भकेशर बुझिपार्चना ना आउ ये जो सरु सरु देखा बुझेला कि से गुड़ा हूँ तुम पु केशर एमती बहुत चित्र देखिपर तुम्हें ये आउ गोटे चित्र मुझे देखे दूसरी देख ये चित्र देख सरु सरु जो गुड़ा देखा से गुड़ा हूँ तुम पु केशर आई जो मोटाड़िया टे देखा जाटा हूँ गर्भकेशर आशा करूँ तुम एथर पु केशर आ गर्भकेशर बुझार किसी असुविधा हो नव एवं पिमान ये चित्रटा टे 3D चित्रटा देख यहाँ बुझिपार बुझेगा कि तो यहाँ हूँ तार गर्भकेशर आगुड़ा हूँ सब पु केशर बुझेगा कि तो तुम्हें जो मंजी देखु बा फल खाऊ से प्रकृत में ये गर्भ जो गर्भाशय जोटा देखु है कि ओभारी अच्छी से फुलिक फल परिणत हो जाए युवा सब झड़ी पड़े बुझिपार ताल आम ए बही विषय को जीवा यही सब फूल को तुमको मानने कलेक्शन करने कमीक मंदार गोलाप कदमी बैगण सोरिष कखार फुल है युवा सब कलेक्शन कर तुम्हें बर्षा दिन जोता व्यवहार नक रखिदे से कौन हुए ना फिंपी मड़ जा रहा देखि ना किपर केतेक उद्भिद अच्छा जो मैंने अंगीय और लिंगीय अंश व्यतीत अगर केतेक विशेष उपाय वंश विस्तार करलिंगी जनन बुझेगा कि से पुलिंग स्त्रीलिंग किसी आवश्यकता ना कि अंगर भी या तो से किसी नूतन प्रकार तैयारी करती सहीटा को आम देखा से कहती अलिंगी जनन बुझेगा मन रख जो अंगीय मान अंगीय जनन आवश्यकता निंगीय जनन आवश्यकता निंगीय जनन में वंश विस्तार हो नंगीय जनन वंश विस्तार हो नु से वंश विस्तार होने से प्रकार किसी वंश विस्तार को अलिंगी जनन कहते बुझेगा तो पे तुमको गोटे कथा मन रखा पड़ो जे एठार रेणु भाई केतेक विशेष अंग द्वारा वंश विस्तार होता है बुझेगा कि रेणु हूँ छोट छोट मानने मानने आखि को तो देखा साधारणतः कितु एत भल से देखा ना बहुत छोट छोट धूली परिका किसी अंश से वंश विस्तार होता है बुझेगा कि तो आगक पढ़ा जितेबाला सुविधा हे मुझे किसी इमेज देख बुझेदेवी एवं देख तुम्हें कम पुणी थे 10.3 दिखाई तुम्हें जाणि 10 विभिन्न गछलतार नाम तुम खातार लेख से मानकर के अंशर नुआ गए हुए तामें अब्जर्व करख बुझेगा कि तो ये आम डिटेल्स पढ़ा गोटी गोटी कर कौनटा अंगीय जनन तो अंगीय जनन कौन से भलसे बुझा पूर्व आगे निश्चित भाव में बुझा दरकार अंग गुड़िक कौन तो पूर्व तुमको कहली जमी गचर विभिन्न प्रकार जोटा हो फूल फल ता पत्र कांड आउचे चेर एमती विभिन्न अंग गुड़ाक सब रही सेमती अंगर जदि कौन जिन जात हो गला नुआ आपत्त सृष्टि हो जाए कह अंगीय जनन जमी उद्भिदर मूल कांड और पत्र पर अंगीय अंशर बुझेगा जदि एक नूतन उद्भिदे जात हो गला आम कह अंगीय जनन है ये गोटे एग्जांपल तुम्हें कम 10.4 तो पिला जो दौर तुम्हें कम 10 मानते जो गुड़ा दौर तुम्हें देखिकी इरीटेट हेनी यहाँ गोटे तुम निजर मानते रियलिस्टिक हाँपाई अर्थ निजे निजर ऑब्जर्वेशन को बुझापाई अर्थ विभिन्न जगार आमर नेचर रे बहुत गुड़ा घटना घटू जब तुम्हें ऑब्जर्व कर तुम्हें बहुत कथ शिखिपार बहि जहाँ लिखाई सी तो बहुत कम लिखाई बुझेगा कि से तुम्हें कम से गुड़ा दि जाए तुम्हें निश्चित भाव आपको घर ट्राए कर देख गोटे चंपा बा कागज फूल गछर डाल काट से कटा अंश को नहीं मटी में पोति दियो आवश्यक मत पा दि लक्ष्य कर से डाल मूल बाहर केत लगुच है पुणी देख सी गोटे नुआ गचर परिणत होतेपर के नुआ पत्र बाहर से लक्ष्य कर तुम स्कूल हतार मनी प्लांटर गंठी पाखर खंडे अंश नहीं कि लगाओ तो पे मनी प्लांट कौन तुम्हें किसी पिला देखी थी आ कि पिला देखी नथिबो मु तुमको गोटे इमेज देखा मनी प्लांटर से देखी सार बुझिपार तो पे जमी तुम्हें चित्रटे देखिपार एगुड़ा हूँ मनी प्लांट निश्चित भाव में किसी किसी पिला घरे ग पाए आ कि पिला घरे न थपे आई होप
किंतु तुम ये बर्तमान इमेज देखिदि यहाँ हूँ मनी प्लांट तो आपको जदि तुम नहीं लगे से तुमको गोटे नूतन गच मिल बुझेगा कि तेल से नुआ गचटे केत दिन में बढ़ुच्छे से जो मनी प्लांट गचर से तुम अब्जर्व कर है पुणी थे कही तुम्हें कम पुणी 10.5 कौन कह देख बजार पुणा आलु आनी घरे किसी दिन रखीदे से जो कलिका सब बाहर थी तुम्हें देखि कलिका कौन ना आलुर स्वतंत्र जो आखि परिका किसी जिनसा तुमको इमेज देखी देख तो पे चित्र देखिक बुझा को चेस्टा कर यो जिन गुड़ाक बाहर भलसे लक्ष्य कर तो यहाँ को आम गोटे कलिका बोली कौ है छोट छोट युवाक बुझिपार तो एमती किसी जब रखीदब घर किसी दिन तेल से देख किसी एमती पर मानने छोट छोट जिनस बाहर थी यहाँ किसी विचित्र कथ नुहे निश्चित भाव में समस्त यहाँ को देखि तो से कथा से कहला किसी दिन रखीदे से कलिका बाहर तुम्हें जोटा देखि गोटे आलु को भलक निरीक्षण कले से सब आखि थी तुम्हें देखि यहाँ तो तुम्हें देख तो पे बुझीपाल जो आखिटा बाहर थाए से कलिकार ही बाहर थाए आउ थे इमेज को देखी बुझ देख यो जगह गुड़ाक प्रथम प्रथम ये जोटा मैंने आखि बाहर सारा कि से कौन हुए ना यगार छोटिया छोटिया सब कलिका थाए ये बर्तमान देखिपार बुझेगा कि तो सहीटा धीरे धीरे आखिरे परिणत परे जाए मैंने यूर छोट छोट अंश सब तार बाहर को अंग गुड़ाक बाहर को लगे बुझिपार ना ना तापर से कहे से ही आखि पाखु काटिक आलु खंडटी को मटीर पोती आवश्यक परिमाण में पा दे गोटे नुआ गच बाहर केत दिन लगुच तुम्हें खातार लेख सेमती पिज खंडे आनी बाली पोत पा दि केत दिन में चेर बाहर से लक्ष्य कर ओ केत दिन में सबुज पत्र बाहर खातार लिखि रख लक्ष्य कर बुझेगा कि ये दुईट है रूपातरित कांड बुझिपार ना ना रूपातरित कांड कौट आलु आ गोटे हूँ पिज तो यहाँ कौन रूपातरित कांड कहीं रूपातरित कांड ना कहीं एमती कहला देख सेमी आउ के कांडर वंश विस्तार होमें जाणी थाओ जदि लिख किपर से उद्भिदी लग जाए दुईधाड़े लेख यहाँ गोटे तुम्हें आक्टिविटी तुम्हें घरे जो मैंने सब ये सब कम करूँ से बुझिकारि तो पे रूपातरित कांड कहीं कहुए से बुझे दूसरी देख देख आम जो कांडटी साधारण नर्माली यूठू आम जाचु ऊपर को जाए से पत्र बाहर तो जो पत्र बाहर से गुड़ा सब कौन कहते कांड कहते कि कौन हो यहाँ देख टे रूपातरित कांड में परिणत हो जाए अर्थ ए किसी फुड अर्थ खाद्य से गठटी कौन क्या ये जगह स्टोर कर रखे आईटा बल्जी से रुए अर्थ फुलिकी रुए से खाद्य स्टोर होए आई कांड गुड़ाक आम आईदे बुझिपाल तो से जो थी शक्ति बुझेगा कि जो रासायनिक शक्ति आम देह को आसे आम किसी कम कर सामर्थ्य हो तो ये आम आगे पढ़ा तो पे अमर पै पत्र मुकु तहार अग्रभाग थाए है कि जो मुकुटा मुझे कहती जोटा आलुर देख लमी अमर पैर जो गच पत्रटे से कौन मुकुटा अग्रभाग थाए तो टे तुमको इमेज देखा देख तो पे सब इमेज देख एगुड़ा हूँ अमर पैर पत्र गुड़ाक है कि यहाँ निश्चित भाव तुम्हें कौटना जेको जगार हो देखि जो मैंने देखी ना चित्र रेट देखि तो युवा हूँ अमर पै बुझेगा कि तो यूर साधारणतः कौन हो जो पत्र यही देखु कि मुकु सब ये तो यही जगार सब आउ गोटे गृष्टि बुझिपार ना ना तो एमती जो मैंने सब अमर पै ग देखीच तार पत्र को देखीच निश्चित भाव में मत कमेंट कर तो ये आम बही विषय को जी तो बुझिपाल अमर पै पत्र मुकु तार कौट थाए अग्रभाग सब थाए उद्भिदटर पत्र जदि मटीर पड़े तेज प्रत्येक मुकुर कौन हुए छोट छोट नुआ उद्भिदे बढ़े है कि यठार पत्र हूँ तार अंगीय जनन साहय कला बुझिपाल तो कौ जगार डाल साय कर तो कौ जगार पत्र कर बुझिपार ना केतेक उद्भिदर मूलर नुआ गचटे बाहरी थाए बुझेगा कि तो मूलर बाहरी थाए जमीक उदाहरण है कंदमू डालिया यू तो युवाक ना सीधा सड़क मूलर एक थर नुआ गचटा बाहर बुझिपार ना ना तो पे कंद तो तुम्हें देखि ये देख आदि आउ किसी इमेज दरकार कर तुमको इमेज देखा देख तो पे ये हूँ तुम कंद आपको निश्चित भाव तुम्हें खाई पोड़ खाई सीझे खाई आोसे हेले खाई तो ये आम आगे पढ़ा ये तो गला सपुष्पक उद्भिदर अंगीय जनन द्वारा वंश विस्तार बुझेगा कि तो यहाँ कौन मैंने फूल फुटुच्छे कि फुलर फल न हो से मानकर अंगर आउ गोटे नुआ गचटे याटा को आम अंगीय जनन कहे ना कि तो से वंश विस्तार यहपरिका है अंगर कितु अनेक अपुष्पक उद्भिद अच्छा जो मैंने आमको खाली आखिरी देखा जाती ना बहुत छोट छोट आम से देखापी अणुवीक्षण जंत्र व्यवहार करूँ आम माइक्रोस्कोप व्यवहार कले से देखिपर बहुत छोट छोट है अनेक कबक शैवाल यही श्रेणीर तो कबक तुमको कही छोट छोट जो फिंपी मारी जाऊँगी से सब कबक शैवाल तुम्हें देखि सब नील लगी जाऊँगी बुझेगा कि से गोटे
माने से जो एक कोशी को देखिया पे हेले तुमको बहुत माने जूम कर देखिया पड़िबो जोटा कि माइक्रोस्कोप रे पॉसिबल हे परिबो हला तो अनेक कबक मन रख केवल अनेक कबक आ शैबाल होचंती ए श्रेणी रो जो माने कि खाली आखी को देखा जानती नाही कि से मानकर फुलो फुलो फुटे नाही से मानकर कांड पत्र बा मूल एमिति किछि नथाय बुझी पारछो माने अन्य गछर जेमिति सब अछि कांड पत्र मूल फुलो एमिति अछि ए मानकर सेमिति किछि नथाय किंतु से मानकर साधारणत अंगीय जनन द्वारा वंश विस्तार होता है बुझिपार्छ से गुड़िक मध्य दुईट है कलिकन आउटा हो विखंडन तो देख पे जेहेतु फूल फल कि मूल यू न था चेरफेर न थाए तो ये केमी वृद्धि हमें से तुमको ये चित्र मध्यम देखेदेवी देख सी कौन कही साधारण अंगीय जनन द्वारा होता है मानने अंगर हिं आ गोटे जिन मानने नुआर आपत्तिटा जो छोट छुआटे जन्म हुए वंश विस्तार होता है तो से गुड़िक मध्य दुईटा दु प्रकार हुए जो अंगीय जनन सीने हुए अंगर या किंतु गोटा हूँ कलिकन आ गोटा हूँ विखंडन तो कलिकन कौन आखंडन कौन से तुमको डिटेल्स बुझाप चेस्टा करुच्ची तो ये तल को टे आस कलिकन है ईस्ट एक कोशी कबक तुमको एवं कहली एक कोशी कबक बहुत छोट तो ईस्ट मानक मानने माइक्रोस्कोप केमी देखा जाती तुमको देखे दूसरी तो पे देख यो इमेज गुड़ा देखु यहाँ हूँ माइक्रोस्कोपिक मानने व्यू अफ ईस्ट तो ईस्ट मैंने एमती बहुत युवा देख यू कौन चीज ना गोटे बड़ी देखा इमेजटा देखिए बुझा चेस्टा कर ए देख तार निज जोड़ा आमर मदर सेल्रु ये गोटे कौन हो डॉटर सेल्टा क्रिएट हो बुझेगा तो एमती किसी समय पर कौन हम ना यहाँ दुईटार परिणत हो दुटार परिणत हेल्ले ये मुक्त भाव में तार बंच मुक्त भाव में बंच तो से जो कोष गुड़ाक एमती डिवाइड हो फटाफट चलती तो यहाँ हूँ अंडर माइक्रोस्कोप भिजुआल गुड़ाक किसी एमतिका बुझिपार्चना ना तो एमती से वंश विस्तार करते तो ये आम विषय को जी एथर बुझिपाल ईस्ट हूँ एक कोशी कबक उपयुक्त पोषण आ परिवेश मिले यह अति अल्प समय मध्य निजर वंश विस्तार करें उपयुक्त पोषण कौन मानने तार खाद्यपेय जमी ठीक ठाक मिल आर जो रोचे जो बासस्थान मानने परफेक्ट कंडीशन रहा दरकार बुझे कि जदि सेमती किसी मिलगला तेल से कौन हम ना निजर वंश विस्तार करें बहुत स्पीड कर बुझिपार्चना ना तो ये आम आगू टे पढ़ा तुम्हें कम 10.6 कौन दे देख खंडे बासी पाउरुटी नियो से चार पांच टोपा पा छिंच दि बुझेगा कि तो गोटे बेलजार घोड़े दियो बुझेगा मैंने गोटे जेको जिन घोड़े दियो बेलजार किसी आवश्यकता नहीं बेलजार नथिले टिके अंधारुआ स्थान को तुम्हें नहीं जाओ अर्थ ईस्ट मानकर कौन हुए ना जो वंश विस्तार हुए से बहुत फास्ट करेंगे किंतु अंधारे करेंगे से सूर्य किरण से मानने भलसे बढ़ी पारे ना बुझेगा कि से तुम्हें टी पाउरुटी पर पा फाणी छिंची दे अंधारिया जगार टे रखिद ना गोटे कौन घोड़े रखिद है दुई दिन पर्यंत दुई तीन दिन पर्यंत रखिब से पाउरुटी भल कर देख तापर कौन हो दुई तीन दिन पर है कि तुम खातार लेख कौन सब देख लदि अणुवीक्षण जंत्र से पाउरुटी को देख है कौन देख लो निज खातार लेख तो मुझ तुमको गोटे माइक्रोस्कोपिकल मानने व्यू देखली तो एमती किसी तुम्हें माइक्रोस्कोप जो देख से तुम एमती किसी जिनस को देखा पाइब बुझिपाल एवं आम आगू जापर कौन देखिए देख ईस्ट हूँ कोषर नूतन कलिका मान बढ़ी थार अणुवीक्षण जंत्र द्वारा तुम्हें देखिपार ये तुमको जमीन चित्र देखली तो ये जमी देखिपार तार छोट छोट कलिका सब बाहर ना ना तो बुझिपाल तो से गुड़ी मातृकोष रु अलग हो गले नूतन कबक सृष्टि करता बुझिपाल तो कहली जमी से धीरे धीरे कौन हुए ना मानने मातृकोष रु मैंने छिड़ी जाती अलग हो जाती सी मुक्त भाव में बचती ये जो मानने मदर सेल जे रहा सी मुक्त भाव में बचे बुझेगा कि तापर से आम कौनटा कलिकन कलिकन तो भलसे बुझल ये जोटा आम पढ़ले एवं आम पढ़ा विखंडन तो विखंडन कौन देख पे तुम्हें तुम गाँ पोखरी पाने रे सबुज आस्तरण सब देखि माने जो नील सब पाने रे सब नील माड़ जाए देखि ग्रीन ग्रीन देखा जाए बुझेगा कि यार कारण है शैबाल तो युवा कौपाई होता है ना शैबाल ही था तुम गाँ पोखरी सब देखि मुझ तुमको किसी इमेज देखे दूसरी टी देख तो पे चित्र देखि तुम्हें बुझीपार शैबाल मैंने केमी कौन पोखरी बहुत क्षिप्र गति में माड़ जाती आउ ग्रीन ग्रीन सब देखा जाती यहाँ जो दृश्य निश्चित भाव में तुम्हें गाँ गे देखि जो मैंने देखिना एवं तुम्हें देखिपार बुझेगा कि तो ये आम बहि विषय को जी तो पे तो बुझीपाल यार कारण है शैबाल है कि शैबाल मैंने एम सब बहुत परिमाण में माड़ जाती है तो कितु तार इंडिविजुआल मैंने गोटे गोटे को तुम जब देखा चाहिए से बहुत छोटा माइक्रोस्कोप हिं देखा बुझेगा कि जल आ उपयुक्त पोषण मिले शैबाल मैंने द्रुत गति में बढ़ती विखंडन द्वारा वंश विस्तार करती बुझेगा विखंडन मैंने देख से तैयारी सारापर निजू निजी कौन करेंगे अलग होजे बुझेगा से मानकर कौन होता ना से छोटिया थे धीरे धीरे बड़ ही छिड़ी जी है
तो यहाँ कितना पूरा सेमी जो लंबा होपर आराम से मझीर कटिजे कटिगला यू कह विखंडन प्रक्रिया बुझिपार्च ताले प्रत्येक विखंडन अंशर नुआ शैवाल बढ़ी थाए खूब कम समय रे सारा पोखरी शैवाल आस्तरण से भरपूर हो जाए जमी तुम इमेज देखी जापार एमती सब पूरा आस्तरण भरीज देख के फास्ट से ग्रोथ होने के स्पीड्रे पोखर सब पा पोषण निजर पोषण मैंने बुझिपार तार खाद्य गुड़ाक सब कौन होने पोखरी पाने साधारण से खाद्य पाई तो से हिसाब से निजर खाद्य प्रस्तुत कर निजे बहुत स्पीड्रे बढ़ी पोखरटा पूरा नील में भरपूर कर दिखते बुझेगा कि तो ये तार गोटे छोटिया काटिया इमेज देती तुम्हें देखिपर है कमी देख ये विखंडन है तो ये जो दिखाई यहाँ हूँ स्पाइरो गाईरा ये एक शैवाल तार केमी विखंडन हो तुमको ये एक्जामपल दिखाई तो यहाँ मन रखा जो इमेजा अच्छी से स्पाइरो गाईरा बुझेगा तो पिलामने एबे आमे अलिंगी जनन पढ़ा जमी मुझे कही गोटे स्पोर बा गोटे आमर रेणु मध्यम केमी वंश विस्तार हो पाँच से विषय ये दिखाई देख ए प्रक्रिय प्रजनन गुण थ एक प्रकार विशेष एकक सृष्टि होता है बुझेगा कि ताक रेणु कह जाए तो ये चल रेणु तुम्हें देखिए बुझीपार गोटे इमेजे यू आम चल रेणु कह कहीं ना मुव करती बुझिपाल तो ताक रेणु कह जाए रेणुगुड़िक चलनक्षम होते सेगुड़ी चल रेणु कहते बुझेगा तो सब रेणुगुड़िक चलक्षम नुह कि केतक रेणुगुड़ अच्छी से चल रेणु होता अर्थ से मुव कर पारती बुझेगा कि जूस पोर कहते अनेक कबक आउ शैवाल से कौन करता ना चल रेणु द्वारा वंश विस्तार करते बुझिपार्चना ना तो ये कौन कहु देख से हीपरी पेनसिलियम पर अनेक कबक कोनिडिया बाह्य रेणु द्वारा अलिंगी जनन होता है तुम्हें ये जो कोनिडिया कौन जान नाइटा मुझे तुमको इमेज देखा से तुम बुझीपार देख यहाँ हूँ तुम पे कोनिडिया तो यहाँ मन कर पेनसिलियम बुझेगा कि पेनसिलियम उद्भिद से कौन हो जो बाहर जो जिन गुड़ा देखु यहाँ हूँ कोनिडिया बुझेगा कि तो यहाँ हूँ तुम बाह्य रेणु कहीं ये बाहर पटर अच्छी चित्र देख बुझ ये चित्रटा देख भलसे बुझिपार तो ये जो बाहर जो रेणुटा आसूना कोनिडिया है पुणी थे नुआ गोटे पेनसिलियम मान उद्भिदे या बुझिपार्चना ना सेमती से कथा कहु कोनिडिया बाह्य रेणु द्वारा अलिंगी जनन होता है तार सेमती अलिंगी जनन सेमती होगा आउ गोटे हूँ चल रेणु उद्भिद मध्य रेणुपेटी स्पोरेंजियम नामक विशेष अनुसार सृष्टि हुए आउ जो चल रेणु कथा तुम्हें कौज है गोटे रेणुपेटी अच्छी से या हम तो स्पोरेंजियम कौन देख तो पे जो चित्रटा देखु यहाँ टे देख तापर बुझे दूसरी है यहाँ हूँ स्पोरेंजियम तो एमती किसी पार्ट था तार भितर से बुझेगा कि स्पोर्स सब या देख यहाँ हूँ चल रेणु बुझिपार्चना ना तो ये चित्र निश्चित भाव तुम बुझिपार यो जगटा यहाँ हूँ तुम कौन से जोटा तुमको कौच देख वैविष्य टे देख ये कौन कहे रेणुपेटी ताको स्पोरेंजियम कहती सेटा हूँ रेणुपेटी बुझेगा कि से तार भितर ही चल रेणुगुड़ाक उद्भिद मध्य कौन हुए रेणुपेटी नामक विशेष अंशर सृष्टि हुए तो जो स्पोरेंजियम देखली से कौन हुए ना चल रेणुटा या हुए बुझिपाल तो कितु कौन हुए जो बाह्य रेणुगुड़ा तुम कोनिडिया देख लौन हुए ना से धारक अग्रभाग में होता है से तुमको कोनिडिया देखे बुझेली धारक अग्रभाग केमी होता भितर या हम क्या भितर जो आमर रेणुपेटी भितर या चित्रटा ये तुम देखिए बुझीपार यहाँ हूँ रेणुपेटी है स्पोरेंजियम तार भितर ये सब मैंने बाहर कर सब स्पोर्स सब जाती बुझेगा कि ये देखिए चित्र बुझीपार यहाँ हूँ स्पोर्स यहाँ हूँ स्पोरेंजियम आर भितर स्पोरेंजियम सब मैं जो स्पोर्स सब या तो ये या सब कौन कहते मैंने सब चलनक्षम अर्थ मुव करती जा नूतन भाव में पुणी थे यहाँ या करती बुझिपार्चना ना तो पे नेक्स्ट क्लास में आम बुझा केमी कौन गोटे देख ये जमी तुम्हें देखी थो तुम कहती जोटा पुँ केशर आ गोटे हूँ गर्भ केशर से भितर केमी कौ मानने मिलती जुलती होकर गोटे फल या गोटे नुआ आपत्ति या फल मंजी या मंजूर आ गोटे गच्छ या विषय में ये आनिमेसन में मुझे तुमको भलसे पूरा डिटेल्स बुझेदेवी केवल तुमको ये करार अच्छी बास नेक्स्ट वीडियो अपेक्षा करार अच्छी सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो कम्प्लीटली वी विल मीट सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो सो टिल देन टेक केयर।